Hello everyone, my name is Ajay and today in my botany field, I'm going to show you the example of Imperi pinnate leaf. So first of all, the question arises, what is actually imperipinnate pinnate leaf? So imperipinnate pinnate leaf is a compound leaf. First of all, it is a compound leaf. So what is a compound leaf? compound leaf is a leaf that uh, in which the lamina it is completely broken up into distinct segments called leaflets so here you can see the leaf leaf this this particular thing which is looking like uh, like a leaf leaf like structure this is not actually a leaf this is a leaflet how we know that this is a leaflet so if we go through the technical definition of a leaf, then leaf is an aerial appendage that arises from the stem or the branch and bears a uh, bud on its axil. Up axil bud bear whether that is <laughs> axillary bud, extra axillary bud, or any other sort of bud. So, here the bud is at this point. So, this is the of leaf and leaf always arise from the axillary bud or you can see the uh, say that uh, leaf bears a bud at its axil. <coughs> okay. So, second thing, which type of compound leaf it is? Is it pinnate compound leaf or palmate compound leaf? So, this is a pinnate compound leaf. So, what is a pinnate compound leaf? अ पिनेट कंपाउंड लीफ इज द वन इन विच लीफलेट्स आर बोर्न लिटरली ऑन द इलांगेटेड एक्सिस जिसको हम रैकिस बोलते हैं कॉल्ड रैकिस दिस इज द रैकिस ठीक है विच रिप्रेजेंट्स द मिड रिप ठीक है नाउ द पिनेट कंपाउंड लीफ मे बी पिनेट बाई पिनेट ट्राई पिनेट और मल्टी और यू कैन सी से इट डी कंपाउंड ठीक है सो दिस इज यूनिपिनेट बिकॉज देयर इज ए सिंगल रेके सिंगल मिडरिप सो दिस इज ए यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ सो द नाउ द थिंग वट जो यूनिक यूनिकिन्नेट कंपाउंड लीफ है ये भी दो तरह का हो सकता है दैट इज पेरीपिन्नेट एंड इम्पेरीपिनेट सो इन दिस पर्टिकुलर केस दिस लीफ इज इम्पेरीपिन्नेट सो वट इज इंपेरिपिन्नेट लीफ इम्पेरी पिनेट लीफ समझने के लिए चलिए मैं एक ही लीफ को लेकर के थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ हेयर यू कैन सी इफ द लीफलेट्स आर ऑड इन नंबर यू कैन काउंट इट टू फोर सिक्स टेन इस तरह से इफ़ द लीफलेट्स आर ऑर्ड इन नंबर देन इट इज़ सेट टू बी इम्पेरीपिनेट यहाँ पे एक लीफलेट टूट गई है सो यहाँ पे एक लीफलेट जो है और होगी इस केस में Uh, i will just put it here as so you can say you can see here 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and then the 19th that is odd number leaflet so if the leaflets are odd in number with terminal unpaired leaflet uh, at its apex बिल्कुल टर्मिनल लीफ लेट जो होगी वो अनपेड होगी ये किसी के साथ पेड़ नहीं है इस तरह के लीफ को हम कहेंगे इम्पेरीपिनेट लीफ ये जो एग्जांपल है ये है पर्टिकुलर प्लांट मुरैया कड़ी पत्ता जिसको हम कहते हैं कड़ी पत्ता के अलावा दिस कैन बी सीन इन रोज़ा इंडिका आल्सो इन रोज़ चलिए मैं यहाँ पे आपको इसकी भी अकेला लीफ दिखाता हूँ लाइक दिस यहाँ आप देख सकते हैं लीफलेट्स आर अगेन ऑर्ड इन नंबर टू फोर एंड फिफ्थ वन इज द टर्मिनल ऑड लीफलेट यू कैन सी द टर्मिनल ऑर्ड लीफलेट इज देयर सो दिस इज द एग्ज़ाम्पल ऑफ पेरीपिनेट कंपाउंड लीफ विच इज द एग्ज़ाम्पल ऑफ द पिनेट कंपाउंड लीव पिनेट कंपाउंड लीव यूनिकॉस्टेट इम्पेरी पिनेट सो मुर्रैया दैट इज कड़ी पत्ता एंड रोज प्लांट में आपको ये देखने को मिलेंगे सो दैट्स इट फॉर टुडे आई विल बी बैक विद सम अदर एग्जाम्पल्स